व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पोकेमॉन गैट्स को देखने वाले हैं और आप इन सभी पोकेमॉन गैट्स को अमेजोन अली एक्सप्रेस जैसी साइट से आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बेहतरीन हाईटेक गैट्स के बारे में बताने वाला हूँ और वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आकर इन सभी गैट्स को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस अपकमिंग अपडेट्स। सो गाइस, द फर्स्ट गैज इज पोकेमॉन गो बॉल। सो गाइस, ये 2016 में आपने पोकेमॉन गो काफ़ी बार खेला होगा और काफ़ी सारे लोग तो रात में ही पोकेमॉन पकड़ने बाहर चले जाते थे और वो गेम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, काफ़ी सारे लोग उसको पार्क में पकड़ने चले जाते थे। तो पोकेमॉन पकड़ने के लिए आप पोकेमॉन गो बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये पोकेमॉन गो बॉल है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल से बनाया गया है, जिसको आप पोकेमॉन पकड़ने के लिए फेंकेंगे तो टूटेगा भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको आपके मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा और बस ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा और आप इससे पोकेमॉन को आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और बस अब आप जहाँ जहाँ मूवमेंट करेंगे आपके साथ ये बॉल वहाँ वहाँ मूवमेंट होगा और आप पोकेमॉन की लोकेशन देखने के लिए अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। पोकेमॉन पकड़ने के लिए आपको इसमें बीच में बटन मिल जाता है, बटन दबाने के बाद आपको इसको फेंकना होता है, पोकेमॉन उसमें कैप्चर हो जाता है। इसके बीच में आपको एक लाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी सारे कलर्स में ग्लो करती है और एक तरीके का आपको इंडिकेटर का काम भी करती है। इस पोकेमॉन गो बॉल का परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट गैजेट एलईडी ट्रांसपेरेंट पोकेबॉल। सो गाइस, ये एलईडी के ट्रांसपेरेंट पोकेबॉल्स हैं। इसके साथ आपको इसका एक पावर स्टेशन भी मिल जाता है, जिसके ऊपर रख के आप इसको ग्लो करा सकते हैं। इसके अंदर आपको पोकेमॉन के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि पिकाचू, चारिजार। रात को जब आप अपने कमरे में इसका यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक देखने को मिलेगा इसका, और आप इसमें दिए गए एलईडी लाइट्स को अपने फेवरेट कलर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको एलईडी ट्रांसपेरेंट पोकेबॉल पसंद आता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट गैजेट इज पोकेबॉल स्पीकर। गाइस, पोकेमॉन पकड़ने के लिए आपने पोकेबॉल तो देख ली, अब आपको दिखाते हैं पोकेबॉल स्पीकर। ये एक पोकेबॉल की शेप का काफी पोर्टेबल स्पीकर है, आप इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। ये देखने में काफी छोटा है बट इसकी साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा गुड है। इसमें आपको 10 वॉट का एक स्पीकर मिल जाता है और ये आपके मोबाइल से ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट हो जाता है। इसमें पीछे साइड आपको एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए आपको इसमें एक माइक्रो यूएसबी केबल प्रोवाइड कराई जाती है और यूएसबी पोर्ट के बगल में आपको मिल जाएगा ऑन ऑफ का बटन, जिसकी हेल्प से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और तो और, इसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल पे आने वाली कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं। कॉल अटेंड करने के लिए आपको इसमें एक बटन दिया गया होता है, इसको प्रेस करने के बाद आपकी कॉल पिक हो जाती है और आप बात कर सकते हैं। और गाइस, अब तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अमेजोन पे जो काफी अच्छी डील्स मुझे मिलती हैं, उसका सभी का लिंक मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराते रहता हूँ, जिसकी हेल्प से अपने काफी सारे रुपए बचा सकते हैं अमेजोन पे शॉपिंग करके। और काफी सारे अमेजोन कूपन कोड्स, गिफ्ट वाउचर्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट गैजेट इज लेका। गाइस, बचपन में हम सभी का एक सपना होता है कि हमारे पास भी एक पोकेमॉन हो और वो भी पिकाचू की तरह हमारे कंधे पे एक बैठा रहे, तो इसके लिए आप मिलिए लीका से। तो ये एक पेट पोकेमॉन है, तो ये फुल्ली सेंसर से लैस है। इसके अंदर काफी सारे इमोशन सेंसर्स डाले गए हैं और जिन सेंसर की हेल्प से ये सैड भी हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और आप इसमें म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे तो आप उनको ये दे सकते हैं। और इसमें एक एलईडी डिस्प्ले लगा होता है, जिसको आप अपने मोबाइल से या टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट गैजेट इज एलईडी रैबिट। गाइस, एक पिकाचू की तरह दिखने वाला एक छोटा सा एलईडी रैबिट है, के अंदर लगे हुए एलईडी बल्ब जो कि काफी मल्टी कलर्स में अवेलेबल है। इसके कलर को चेंज करने के लिए आपको इसके ऊपर हल्का सा टैप करना होता है और इसके कलर अपने आप खुद ब खुद चेंज होने लगते हैं। इसको चार्ज करने के लिए आपको इसमें एक चार्जिंग केबल भी मिल जाती है और ऑन ऑफ का बटन इसके बॉटम साइड में मिल जाएगा आपको। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और रबराइज मटेरियल से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको फेंकने पे डैमेज नहीं होगा। तो आप इसकी हेल्प से अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं और रात के समय आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक देगा ये। तो बेसिकली आप इसका यूज़ अपने होम को डेकोरेट करने के लिए कर सकते हैं और आप अगर इसको अपने रूम में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक देगा आपके रूम को। सो परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज के पोकेमॉन गैट्स। आपको कौन सा गैजेट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अमेजिंग डील्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, थोड़ा और अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।